पेज नंबर 429 माध्य विचलन महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, समांतर माध्य x से लिया गया माध्य विचलन। दूसरा, माध्यमिका m से लिया गया माध्य विचलन। तीसरा, बहुलक z से लिया गया माध्य विचलन। चौथा, माध्य विचलन की गणना हेतु क्रिया पद पद एक चर का माध्य x बराबर 1/n सिग्मा f1 x1 से ज्ञात करना। पद दो, प्रत्येक चर मान का माध्य से विचलन x1 माइनस x का निरपेक्ष मान x1 माइनस x ज्ञात करना। पद तीन, विचलन के धनात्मक निरपेक्ष मान x1 माइनस x को इसकी संगत बारंबारता f1 से गुणा कर गुणन फल f1x1 माइनस x ज्ञात करना। चौथा पद, योगफल सिग्मा f1 ब्रैकेट में x1 माइनस x में n का भाग देकर माध्य विचलन ज्ञात करना। पांचवा, बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन सिग्मा f1 ब्रैकेट में x1 माइनस x / n सिग्मा f1 x1 माइनस m / n सिग्मा f1 x1 माइनस z / n या n बराबर सिग्मा f1। अतः संक्षिप्त में, पहले व्यक्तिगत श्रेणी के लिए सिग्मा x1 माइनस a / n तथा दूसरा बारंबारता बंटन के लिए सिग्मा f1 x1 माइनस a / n। उदाहरण पहला, क्रिकेट के 8 खिलाड़ियों ने एक पारी में निम्न प्रकार से रन बनाए 42 47 52 47 37 60 55 38। रनों का पहला माध्य विचलन, दूसरा माध्यमिका से लिया गया माध्य विचलन है। तीसरा, मूल बिंदु 40 से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। हल, माध्य विचलनों की गणना सारणी, इसके लिए कॉलम बनाएंगे 4। पहले में रन x1, फिर दूसरे में x1 माइनस x, तीसरे में x1 माइनस m, चौथे में x1 माइनस 40। पहले में 37, दूसरे में 10.25, तीसरे में 10, चौथे में 3, इसी क्रम से पढ़ेंगे। 38 रन 9.25 9 2, 42 5.25 5 2, 47 0.25 0 7, 47 0.25 0 7, 52 4.75 5 12, 56 55 7.75 8 15, 60 12.75 13 20। रनों का योग 378 x1 माइनस x इसका 50.50 x1 माइनस m इसका योग 50 x1 माइनस 40 इसका योग 68। यहाँ x बराबर सिग्मा x1 बटा 8 बराबर 378 बटा 8 बराबर 47.25 तथा m बराबर 47 प्लस 47 बटा 2 बराबर 47। अतः पहले माध्य विचलन बराबर 50.50 बटा 8 बराबर 6.31। दूसरा, माध्यमिका से माध्य विचलन बराबर सिग्मा x1 माइनस m बटा n बराबर 50 बटा 8 बराबर 6.25। तीसरा, मूल बिंदु 40 से माध्य विचलन बराबर सिग्मा x1 माइनस 40 बटा n बराबर 68 बटा 8 बराबर 8.5। उत्तर। उदाहरण दूसरा, एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में निम्न प्रकार है 49 60 47 50 47 59 58 45 53। माध्य विचलन माध्यमिका से लिया गया माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पेज नंबर 430। हल, क्रम संख्या भार दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम एक्स माइनस एक्स, चौथा कॉलम एक्स माइनस एक्स। पहला 49, तीसरे में 49 माइनस 52 बराबर माइनस 3, चौथे में 3। दूसरा 60, तीसरे में 60 माइनस 52 बराबर 8, चौथे में 8। तीसरे में 47, 47 माइनस 52 बराबर माइनस 5, 5। चौथा 50, 50 माइनस 52 बराबर माइनस 2, 2।
पांचवें 47, 47 माइनस 52 बराबर माइनस 5, 5। छठा है 59, 59 माइनस 52 बराबर 7, 7। सातवां 58, 58 माइनस 52 बराबर 6, 6। आठवां 45, 45 माइनस 52 बराबर माइनस 7, 7। नौवां 53, 53 माइनस 52 बराबर 1, 1। क्रम संख्या 9, भार किलोग्राम में 468 कुल योग, और सिग्मा एक्स माइनस एक्स बराबर 44। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा एन बराबर 468 बटा 9 बराबर 52। माध्य विचलन बराबर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बटा एन बराबर 44 बटा 9 बराबर 4.89 उत्तर। माध्यमिका से विचलन भारों को आरोही क्रम में रखने पर 45, 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59, 60। यहाँ n बराबर 9 जो कि विषम है, अतः माध्यमिका m बराबर n प्लस 1 बटा 2 व पद 9 प्लस 1 बटा 2 व पद का मान, पांचवें पद का मान बराबर 50, अतः माध्यमिका बराबर 50 होगी। क्रम संख्या भार तीसरा x माइनस एम और x माइनस एम, फिर चौथा कॉलम x माइनस एम। पहला भार 45, 45 माइनस 50 बराबर माइनस 5, 5। दूसरा है 47, 47 माइनस 50 बराबर माइनस 3, 3। तीसरा है 47, 47 माइनस 50 बराबर माइनस 3, 3। चौथा 49, 49 माइनस 50 बराबर माइनस 1, 1। पांचवा 50, 50 माइनस 50 0, 0। छठा 53, 53 माइनस 50 बराबर 3, 3। सातवां 58, 58 माइनस 50 बराबर 8, 8। आठवां 59, 59 माइनस 50 बराबर 9, 9। नौवां 60, 60 माइनस 50 बराबर 10, 10। क्रम संख्या 9, एक्स माइनस एम बराबर 42। माध्यमिका से माध्य विचलन सिग्मा एक्स माइनस एम बटा 42 बटा 9 बराबर 4.67 उत्तर। उदाहरण 3, निम्न बारंबारता बंटन के लिए बिंदु 20 से एवं बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसके लिए दो कॉलम है एक्स और एफ, एक्स में 10, एफ में 5। 12, 8, 14, 21, 16, 24, 18, 18, 20, 15, 22, 7, एक्स में 24, एफ में 2। माध्य विचलन गणना सारणी, इसके लिए 6 कॉलम बनाएंगे। पहले में एक्स वन, दूसरे में एफ वन, तीसरे में एक्स वन माइनस 20, चौथे में एफ वन एक्स वन माइनस 20, पांचवे में एफ वन एक्स वन माइनस 16 और छठे में एफ वन एक्स वन माइनस 16। इसी क्रम से पढ़ेंगे। 10, पहले में, दूसरे में 5, तीसरे में 10, चौथे में 50, पांचवे में 6 और छठे में 30। फिर पहले में 12, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 64, पांचवे में 4, छठे में 32। फिर पहले में 14, दूसरे में 21, तीसरे में 6, चौथे में 126, पांचवे में 2, छठे में 42। फिर पहले में 16, दूसरे में 24, तीसरे में 4, चौथे में 96, पांचवे में 0, छठे में 0। फिर पहले में 18, दूसरे में 18, तीसरे में 2, चौथे में 36, पांचवे में 2, छठे में 36। फिर पहले में 20, दूसरे में 15, तीसरे में 0, चौथे में 0, पांचवे में 4, छठे में 40। फिर पहले में 22, दूसरे में 7, तीसरे में 2, चौथे में 14, पांचवे में 6, छठे में 42। फिर पहले में 24, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवे में 8, छठे में 16। एफ वन, इनका योग हो गया 100। एफ वन एक्स वन माइनस 20, इसका योग हो गया 394। एफ वन एक्स वन माइनस 16,
इसका योग हो गया 238। यहाँ बहुलक है अर्थात सर्वाधिक बारंबारता वाला, मूल्य बराबर 16 है, अतः मूल्य 20 से माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ वन एक्स वन माइनस 20 बटा एन बराबर 394 बटा 100 बराबर 3.94 तथा बहुलक जेड 16 से माध्य विचलन बराबर सिग्मा एफ वन एक्स वन माइनस जेड बटा एन बराबर सिग्मा एफ वन एक्स वन माइनस 16 बटा एन बराबर 238 बटा 100 बराबर 2.38 उत्तर। उदाहरण 4, 169 परिवारों के प्रतिदिन दूध पर होने वाले खर्च का बारंबारता बंटन निम्न प्रकार है। खर्च प्रतिदिन रुपये में और परिवारों की संख्या 2 कॉलम है। 3, खर्च प्रतिदिन 3 रुपये, परिवारों की संख्या 2, 4 रुपये, परिवारों की संख्या 9, 5 रुपये, परिवारों की संख्या 11, 6 रुपये, परिवारों की संख्या 14, 7 रुपये, परिवारों की संख्या 20, 8 रुपये, परिवारों की संख्या 25, 9 रुपये, परिवारों की संख्या 24, 10 रुपये, परिवारों की संख्या 23, 11 रुपये, परिवारों की संख्या 20, 12 रुपये, परिवारों की संख्या 16, 13 रुपये, परिवारों की संख्या 5। माध्यमिका से लिया गया माध्य विचलन, इसके लिए कॉलम बनाएंगे 5, पहला एक्स वन, दूसरा एफ वन, तीसरा संचयी बारंबारता सी, चौथा एक्स वन माइनस 9 और पांचवा एफ वन एक्स वन माइनस 9। पहले में 3, दूसरे में 2, तीसरे में संचयी बारंबारता 2, फिर 6, 12, फिर पहले में 4, दूसरे में 9, तीसरे में 11, चौथे में 5, पांचवे में 45। पहले में 5, दूसरे में 11, तीसरे में 22, चौथे में 4, पांचवे में 44। पहले में 6, दूसरे में 14, तीसरे में 36, चौथे में 3, पांचवे में 42। पहले में 7, दूसरे में 20, तीसरे में 56, चौथे में 2, पांचवे में 40। पहले में 8, दूसरे में 25, तीसरे में 81, चौथे में 1, पांचवे में 25। पहले में 9, दूसरे में 24, तीसरे में 105, चौथे में 0, पांचवे में 0। पहले में 10, दूसरे में 23, तीसरे में 128 संचयी बारंबारता, चौथे में 1, पांचवे में 23। फिर पहले में 11, दूसरे में 20, तीसरे में 148, चौथे में 2, पांचवे में 40। पहले में 12, दूसरे में 16, तीसरे में 164, तीसरे में 3, चौथे में 3 और पांचवे में 48। पहले में 13, दूसरे में 5 संचय बारंबारता, तीसरे कॉलम में 169, चौथे में 4 और पांचवे में 20। एन बराबर 169 और एफ वन एक्स वन माइनस 9, इसका होगा योग 339। पेज नंबर 431, यहाँ एन बराबर 169, अतः माध्यमिका एम 169 प्लस 1 बटा 2 बराबर 85, वहाँ चर मूल्य बराबर 9, अतः माध्यमिका से लिया गया माध्य सिग्मा एफ वन एक्स वन माइनस एम बटा एन बराबर सिग्मा एफ वन एक्स वन माइनस 9 बटा 9 बटा एन बराबर 339 बटा 169 बराबर 2 लगभग उत्तर। उदाहरण 5, निम्न बारंबारता बंटन के लिए माध्य विचलन तथा माध्यमिका से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसके लिए 2 कॉलम है, एक्स और एफ, 3 एक्स में एफ में 12, 4 11, 5 12, 6 13, 7 9 8 10, एक्स में 9 एफ में 14, एक्स में 10 एफ में 7। माध्य विचलन गणना सारणी, पहला x1, दूसरा कॉलम f1, तीसरा f1 x1, चौथा cf1, पांचवा x1 माइनस x, छठा f1 x1 माइनस x, सातवां x1 माइनस m, आठवां f1 x1 माइनस m। पहले में 3, दूसरे में 12, तीसरे में 36, चौथे में 12, पांचवे में 3.33, छठे में 39.96, सातवें में 3, आठवें में 36। पहले में 4, दूसरे में 11, तीसरे में 44, चौथे में 23, पांचवें में 2.33, छठे में 25.63, सातवें में 2, आठवें में 22,
पहले में 5, दूसरे में 12, तीसरे में 60, चौथे में 35, पांचवे में 1.33, छठे में 15.96, सातवें में 1, आठवें में 12, फिर पहले में 6, दूसरे में 13, तीसरे में 78, चौथे में 48, पांचवें में 0.33, छठे में 4.29, सातवें में 0, आठवें में 0, फिर पहले में 7, दूसरे में 9, तीसरे में 63, चौथे में 57, पांचवें में 0.67, छठे में 6.03, सातवें में 1, आठवें में 9, पहले में 8, दूसरे में 10, तीसरे में 80, चौथे में 67, पांचवें में 1.67, छठे में 16.70, सातवें में 2, आठवें में 20, पहले में 9, दूसरे में 14, तीसरे में 126, चौथे में 81, पांचवें में 2.67, छठे में 37.38, सातवें में 3, आठवें में 42, पहले में 10, दूसरे में 7, तीसरे में 70, चौथे में 88, पांचवें में 3.67, छठे में 25.69, सातवें में 4, आठवें में 28। F1 बराबर n बटा बराबर 88। F1 X1 का योग 557। X1 माइनस X इसका 171.64 और F1 X1 M आठवें कॉलम का योग 169। सिग्मा F1 X1 बटा n बराबर 557 बटा 88 बराबर 6.33। ये समांतर माध्य, समांतर माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा F1 ब्रैकेट में X1 माइनस X बटा n बराबर 171.64 बटा 88 बराबर 1.95। उत्तर यहाँ n बटा 2 बराबर 88 बटा 2 बराबर 44। अब 44 से बड़ी संचयी बारंबारता 48 है जिसके संगत चर का मान 6 मतलब माध्यमिका m बराबर 6। माध्यमिका से माध्य विचलन बराबर सिग्मा F1 X1 माइनस m बटा n बराबर 169 बटा 88 बराबर 1.92। अतः माध्य विचलन क्रमशः 1.95 और 1.92। उत्तर उदाहरण 6। 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न अनुसार है। बच्चों की संख्या 0, परिवारों की संख्या 14, बच्चों की संख्या 1, परिवारों की संख्या 30, बच्चों की संख्या 2, परिवारों की संख्या 24, बच्चों की संख्या 3, परिवारों की संख्या 40, बच्चों की संख्या 4, परिवारों की संख्या 5, बच्चों की संख्या 5, परिवारों की संख्या 3, बच्चों की संख्या 6, परिवारों की संख्या 2, बच्चों की संख्या 7, परिवारों की संख्या 1, बच्चों की संख्या 8, परिवारों की संख्या 1। हल माध्य विचलन माध्यमिका से माध्य विचलन तथा मूल बिंदु 5 से माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। इसके लिए कॉलम बनाएंगे X1 F1 F1 X1 CF1 X1 माइनस X F1 X1 माइनस X X1 माइनस M F1 X1 माइनस M। पहले कॉलम में 0, दूसरे में 14, तीसरे में 0, चौथे में 14, पांचवे में 0 माइनस 2 बराबर 2, छठे में 28, सातवें में 0 माइनस 2 बराबर 2, आठवे में 28। पहले कॉलम में 1, दूसरे में 30, तीसरे में 30, चौथे में 44, पांचवे में 1 माइनस 2 बराबर 1, छठे में 30, सातवें में 1 माइनस 2 बराबर 1, आठवे में 30। पहले कॉलम में 2, दूसरे में 24, तीसरे में 48, चौथे में 68, पांचवे में 0 माइनस 2 बराबर 0 और छठे में 0, सातवें में 2 माइनस 2 बराबर 0, आठवें में 0। पहले में 3, दूसरे में 20, तीसरे में 60, चौथे में 88, पांचवें में 3 माइनस 2 बराबर 1, छठे में 20, सातवें में 3 माइनस 2 बराबर 1, आठवें में 20। पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 20, चौथे में 93, पांचवें में 4 माइनस 2 बराबर 2, छठे में 10, सातवें में 4 माइनस 2 बराबर 2, आठवें में 10। पहले में 5, दूसरे में 3, तीसरे में 15, चौथे में 96, पांचवें में 5 माइनस 2 बराबर 3, छठे में 9, सातवें में 5 माइनस 2 बराबर 3, आठवें में
नौ, पहले में 6, दूसरे में 2, तीसरे में 12, चौथे में 98, पांचवे में 6 माइनस 2 4, छठे में 8, सातवें में 6 माइनस 2 बराबर 4, आठवें में 8, पहले में 7, दूसरे में 1, तीसरे में 7, चौथे में 99, पांचवें में 7 माइनस 2 5, छठे में 5, सातवें में 7 माइनस 2 बराबर 5, आठवें में 5, पहले में 8, दूसरे में 1, तीसरे में 8, चौथे में 100, पांचवें में 8 माइनस 2 6, छठे में 6, सातवें में 8 माइनस 2 बराबर 6, आठवें में 6, f1 = n 100, f1 x1 = 200, x1 - x = 116, f1 x1 - m इसका योग 116। यह समांतर माध्य x बराबर सिग्मा f1 x1 / n बराबर 200 / 100 बराबर 2, समांतर माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा f1 x1 - x / n बराबर 116 / 100 बराबर 1.16। अतः 1.16 उत्तर। यहाँ n बटा 2, 100 / 2 बराबर 50। अब 50 से बड़ी संख्या बारंबारता 68 है, जिसके संगत चर का मान 2 है, अतः माध्यमिका 2 होगी। अतः माध्यमिका से लिया गया माध्य विचलन 8 मीटर 8 m सिग्मा f1 x1 - m / n बराबर 116 / 100 बराबर 1.16 उत्तर। मूल बिंदु 5 से लिया गया विचलन, इसके लिए कॉलम बनाएंगे 5, x1 f1 d बराबर x1 - 5, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम x1 - 5 और पांचवा कॉलम f1 x1 - 5, पहले में 0, दूसरे में 14, तीसरे में 0 - 5 = -5, चौथे में 5, पांचवे में 70, पहले में 30, पहले में 1, दूसरे में 30, तीसरे में 1 - 5 = -4, चौथे में 4, पांचवे में 120, तीसरे में 2, दूसरे में 24, तीसरे में 2 - 5 = -3, चौथे में 3, पांचवे में 72, पहले में 3, दूसरे में 20, तीसरे में 3 - 5 = -2, चौथे में 2, पांचवे में 40, पहले में 4, दूसरे में 5, तीसरे में 4 - 5 = -1, चौथे में 1, पांचवे में 5, फिर पहले में 5, दूसरे में 3, तीसरे में 5 - 5 = 0, चौथे में 0, पांचवे में 0, फिर 6, 2, तीसरे में 6 - 5 = 1, फिर चौथे में 1, पांचवे में 2, सातवें में पहले में 7, दूसरे में 1, तीसरे में 7 - 5 = 2, चौथे में 2, पांचवे में 2, पहले में 8, दूसरे में 1, तीसरे में 8 - 5 = 3 और चौथे में 3, पांचवे में 3। f1 का योग 100 और x1 - 5 इनका योग 314। f1 x1 - 5। मूल बिंदु 5 से लिया गया माध्य विचलन बराबर सिग्मा f1 x1 - 5 / n 314 / 100 बराबर 3.14 उत्तर। पेज नंबर 332। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, 5 छात्रों का भार किलोग्राम में 38, 45, 62, 55, 50 हो तो इनके भार का माध्य विचलन है 10। दूसरा, बंटन 2, 4, 5, 2, 5, 7, 8 का माध्यमिका से लिया गया माध्य विचलन है 12/7। तीसरा, 4 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 25, 35, 45 व 55, इनका माध्य विचलन है 10। चौथा, माध्य विचलन सबसे कम होता है माध्यमिका में। पांचवा, माध्य विचलन है निरपेक्ष विचलनों का
माध्य। टॉपिक समाप्त।